चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन कल बोले थे कैसे बनाना है। दो मेथड यूज करिएगा। फर्स्ट मेथड है ऐसे, एक काम को कर सकता है कितना दिन में, 20-30 कहाँ लिखेगा नीचे, और जितना दिन तक करता है ऊपर में। तो आइए, ए अकेले काम प्रारंभ किया है और 5 दिन बाद बी को भी क्या कर लिया है, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। ये बताइए, ए बी में कौन ऐसा आदमी है जो शुरू से अंतिम तक कार्य किया। तो माना कार्य एक्स में पूरा हुआ, तो ये किया कितना दिन, एक्स दिन। बी बोलिए कितना दिन किया। हाँ, 5 दिन के बाद आया था, तो 5 दिन कम काम किया, तो ये कितना, एक्स माइनस। कैलकुलेशन करिए, आंसर हो जाएगा। चलिए, एलसीएम बोलिए 60, कोई कटने वाला तो है नहीं ना। अच्छा है, तो ऐसे भी कैलकुलेशन होता है, दो तरह से कर देते हैं। एक तो ऐसे, चलिए 20 से भाग दीजिए 3x, इससे 2x, 3 और 2 कितना, एक्स 5x, माइनस फिर 30 से भाग दीजिएगा 2, 5 गुना 2 कितना, 10, 10 जोड़िए 5 से भाग दीजिए 14 दिन, तो पूरा कार्य समाप्त हुआ कितना दिन में, 14 दिन में। चलिए, कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। एक्स बटा 20 का शेष बोलिए। हाँ, कितना, तो 20 माइनस x, अब बटा में कितना, 20, तो या इधर जाके घटेगा, घटेगा मतलब शेष निकलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 3x, तो जुट जाएगा तो कितना, 5x, इधर हो गया कितना, 60, आ इधर कितना, 10, साइन उल्टा है तो जुटता है, और x का मान कितना, 14। तो कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए दूसरा मेथड में, तो दूसरा मेथड में पहले ही हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी टोटल वर्क मान लेते हैं। तो एलसीएम बोलिए कितना, 60, 60 में ए बी का मान निकालिए भाग दे दे करके, तो ये हो गया 3, और यह हो गया कितना, 2, तो ये बोलिए 3 2 क्या होता है, 1 दिन का कार्य। तो माना कि कार्य यहाँ भी फिर मानना पड़ेगा, माना कि कार्य समाप्त हो गया के दिन में, एक्स दिन में, तो ये किया एक्स दिन तक, तो ये कितना काम करेगा, 3x। आई डेली 2 काम करता है, लेकिन ये किया कितना दिन तक, एक्स माइनस 5 दिन तक। अब पूरा काम कितना, 60, तो बतवा तो बराबरे ना है, वही बात है जो आप बटा में लिखते हैं ना, वही बात यहाँ भी है, केवल देखने का फर्क है। तो 3x 2x 5x -10 इज इक्वल टू 60, एक्स का मान हो जाएगा 14। आदमी का संख्या कितना है, 3 है। स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए, ए हो गया 36 दिन, बी हो गया 54 दिन, और यह हो गया आपको 72। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि तीनों मिल करके कार्य प्रारंभ किया और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, 12 दिन पहले ए और बी छोड़ दिया, शेष कार्य को कौन किया, सी किया। तो
तो बोलिए काम शुरुआत कौन किया था तीनों मिलके, तो कौन ऐसा आदमी है जो अंतिम तक काम किया? तो सी का मान लीजिए कितना, एक्स, माना कि एक्स दिन में काम पूरा हुआ तो एक्स दिन किया, और यह पहले ही छोड़, तो काम किया एक्स माइनस आठ, और यह 12 दिन पहले चला गया था तो 12 दिन कम काम किया। बस इसका आप उसी तरह से फिर कैलकुलेशन करिए, तो एलसीएम बोलिए, एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 216, भाग दीजिएगा तो 6 बार, ये हो जाएगा 6x-48, इससे भाग दीजिएगा तो 4 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 4x-48, और अगला से भाग दीजिएगा तो कितना बार, 3 बार, यह हो जाएगा 3x। तो 6 4 10 7 3 कितना, 13x, इधर जोड़ दीजिए, 8 8 16 16 6 कितना, 22, हासिल कितना, 2 4 2 6 4 10 21 कितना, 31, कितना बार कट जाएगा, 24। तो एक्स का मान हो गया कितना दें, 24। वैसे भी बनाइएगा तो इतना ही बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम कितना, 216। अब आपको एबीसी का क्या करना है, मान निकालना, तो भाग दे दे दीजिए कितना, 6 4 3, तो माना कि काम समाप्त हुआ, तो एक कितना दिन पहले चला गया, 8 दिन पहले, तो इतना दिन काम किया, दूसरा आदमी 12 दिन पहले चला गया तो एक्स माइनस 12 दिन काम किया, तीसरा आदमी फुल डे काम किया, समय तक कार्य किया, तो ये डेली कितना काम करता है, 6 काम, दूसरा आदमी डेली 4 काम, तीसरा आदमी डेली 3 काम, और सब मिला के कार्य कितना करना है, तो सब मिला के 216 कार्य करना है, सब मिला के कितना कार्य करना है, 216। चलिए तो यहाँ भी कैलकुलेशन करिएगा, एक्स बराबर आ जाएगा कितना दिन, 24 दिन, दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना, एक्स माइनस एट इंटू कितना 6, यहाँ भी वही बात लिखे हैं, एक्स माइनस एट में 6 से गुना हुआ तो इतना, यहाँ पर समझे कि दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल आपको देखने का फर्क लगता है, दोनों बिल्कुल सेम है। आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। चलिए कितना आदमी है, 3 स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए, बराबर में हमेशा क्या लिखना है, 1, ए आपको 25 दिन, बी आपका 40 दिन, सी आपका 60 दिन। अब पढ़िए कौन कितना दिन काम किया, तो काम कौन शुरू किया, तीनों एक साथ शुरू किया, और 5 दिन बाद ए किया, छोड़ दिया, तो बोलिए एक कितना दिन काम किया, तो सिर्फ 5, आप कहीं क्लास ज्वाइन किया, 5 दिन पढ़ के छोड़ दिए, तो कितना दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े। अब आइए अगला कहता है कि कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले कौन छोड़ दिया, समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसमें लिखेंगे एक्स माइनस कितना 10, और सी अंतिम तक, सी के बारे में नहीं दिया है, तो सी पूरे समय तक कार्य किया। एक मेथड में हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, इसमें दूसरा बार निकालते हैं, फर्क इतना ही है, एलसीएम बोलिए, हाँ नहीं तो एक काम और करिए, रुक जाइए, आप 25 में आपको दिक्कत होता है, यही दोनों का आप एलसीएम बोलिए, बोलिए दोनों का एलसीएम कितना,
120, 40 से भाग दी तो 3x आई, कितना x, 2x, 3 आ 2 5x, माइनस 40 से भाग दीजिए 3, 3 से गुना करिए 30। अब बोलिए इसको क्या करिएगा, इसको उधर से निकाल लीजिए, तो कटेगा तो 1/5, घटेगा तब 4/5। अब आप एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 24 × 4 बोलिए 96, 96 या 30 बोलिए 126, 126/5 यानी कितना हो जाएगा 25, 1/5, ये आपका आंसर। चलिए ए किसी कार्य को 120 दिन में करता है, बी वही कार्य को 150 दिन में करता है। आदमी दो है कि तीन है, तीन आदमी है तो तीन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह 120, यह हो गया आपको 150। सी का फाइंड आउट करना है, कहता है कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसका यहाँ पर अब निकालना है। तो यहाँ मान लिए कितना एक्स, सी पूरे कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा वही निकालना है। ए का दिया, बी का दिया, सी का निकालना है, तो मान लिया जाए कितना एक्स। अब ऊपर में आ जाइए, कौन कितना दिन कार्य किया उसके बारे में देखा जाए। तो बोलिए पहले कौन कार्य किया, ए और बी किया, कितना दिन किया, ए और बी कार्य किया एक साथ कितना दिन, 20 दिन। उसके बाद बोलिए, हाँ बी छोड़ दिया तो कौन कार्य किया, ए, ए अकेले किया कितना दिन, 12 दिन। उसके बाद बोलिए ए और सी मिलकर किया कितना दिन, 48 दिन। ये बोलिए तो कितना दिन में कार्य खत्म हो गया, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। बोलिए ये सब समझ में नहीं आता है, कितना दिन में कार्य खत्म हुआ। पहले कार्य कौन किया, ए बी किया, कितना दिन तक, 20 दिन तक। उसके बाद कौन काम किया, उसके बाद ए अकेले किया, कितना दिन ए अकेले किया, 12 दिन। अब इसके बाद कौन आ गया, उसके बाद काम कौन किया, ए और सी किया, कितना दिन तक, 48। बोलिए कितना दिन में काम समाप्त हुआ। चलिए कोई काम शुरू हुआ, कोई काम शुरू हुआ तो पहले 10 दिन ए किया, फिर ए छोड़ दिया, फिर बी आया, अब 15 दिन बी किया, अब काम समाप्त हो गया, के दिन में काम पूरा हुआ। हाँ 25 दिन में, 10 और 15 कितना, 25, 25 दिन में 10 दिन कौन किया, ए किया, और फिर अंतिम में 15 दिन बी किया, तो काम पूरा हुआ के दिन में। तो ये आप देख के नहीं बता सकते हैं कितना दिन में काम हुआ, अजीब हाल है। 20, 12, 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 दिन। मतलब इतना सोचने में इतना दिक्कत काहे हो रहा था। अरे काम कोई करे, समय जो लगा वो लगा, पहले 20 दिन काम हुआ जिसमें ए भी किया, फिर 12 दिन और लगा जिसमें ए किया, फिर 48 दिन ए और सी किया, तो काम कितना दिन में खत्म हुआ, 80 दिन में खत्म हुआ। 80 दिन काम चला था, कभी ए किया, कभी ए बी किया, कभी ए सी किया,
कभी तीनों मिल के किया, उससे क्या मतलब। लेकिन समय कितना लग गया, काम पूरा होने में 80 दिन लग गया। अभी बताइए 80 दिन में एक कब तक काम किया, बोलिए ये 80 दिन में एक कब तक काम किया। तो ये शुरू से लेके अंतिम तक काम किया, एक कितना दिन तक काम किया, 80 दिन तक काम किया। अब सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो 12 दिन किया, ना 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 कि 20 किया। अरे अरे ये शुरू से अंतिम तक किया, कितना दिन काम किया, 80 दिन काम। बोलिए बी कितना दिन किया। हाँ बी जो है शुरू में देखिए 20 दिन किया, उसके बाद अब कभी नहीं किया। चलिए सी कितना दिन काम किया, 48 दिन तक सी शामिल रहा। अरे काम कोई किसी के साथे करे या अकेले करे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कितना दिन तक किया है। तो बी कितना दिन किया है, 20 दिन, किसके साथ। तो ए के साथ करे चाहे सी के साथ करे चाहे अकेले करे उससे काम मतलब है। हम पूछ रहे हैं कितना दिन तक किया, तो आप कहिएगा कि 20 दिन तक किया। ए कितना दिन काम किया, तो 80 दिन काम किया, 20 दिन बी के साथ है, 12 दिन अकेले, 48 दिन। तो अकेले करे चाहे साथे करे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कितना दिन तक शामिल रहा है कार्य में। तो 80 दिन में कार्य पूरा हुआ, 80 दिन तक शामिल रहा है। अब आ जाइए कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर हो जाएगा, कुछ कटा लीजिए। चलिए ये दोनों का 3 और 15 का एलसीएम बोलिए, 15 ऊपर में बोलिए, 3 से भाग दीजिए, 5 गुना 2 10, 10 और 2 कितना, 12। बोलिए कटेगा तो कितना, 4/5, और उधर घटेगा तो कितना, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 गुना 48 आंसर हो जाएगा, 240। तो याद रहेगा काम कोई अकेले करे चाहे साथे करे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि कितना दिन तक किया है, कार्य समाप्त होने तक कितना दिन शामिल रहा, मतलब इससे आगे बढ़ा जाए। चलिए बोला गया है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में करता है, 12 दिन में, जिसमें ए किया है 4 दिन, बी किया है 24 दिन। तो बी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, तो दो स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए। अब बोलिए ए कितना दिन में काम करता है, बोलिए ए कितना दिन में पूरा काम कर सकता है, 4 दिन। अरे 4 ऊपर लिखना है कि नीचे, अरे 4 दिन तक किया है, ये 24 दिन तक किया है, लेकिन नीचे वाला बात पता है, ये 12 दिन में ए किया है कि बी किया है कि दोनों मिल के, तैयार ना लिखना है, यहां पर दोनों मिल के लिखिएगा। तो ना ही यह पता है ना ही यह पता है, तो फिर बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन अब तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े, जितना भी क्वेश्चन पढ़े तो सबका अकेले अकेले देता था, ये पूरा काम जब भी दिया था तो अकेले अकेले दिया था, जितना भी अब तक क्वेश्चन पढ़े। लेकिन इस क्वेश्चन में अकेले अकेले नहीं दिया है, क्या दिया है, दोनों मिल करके काम को करता है कितना दिन में, 12 दिन में। तो क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सजाना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिल करके करता है कितना दिन में, 12 दिन में, तो आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा। ए काम किया है कितना दिन, 4 दिन, अभी काम किया है कितना दिन, 24 दिन, कार्य पूरा हुआ है 24 और 4 के दिन में,
तो 28 दिन में 4 दिन ए किया है, 24 दिन कौन किया है? बी किया है। लेकिन शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया है कि दोनों मिल करके काम को करता है कितना दिन में। तो अब आपको ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। बोलिए दोनों साथे के दिन काम कर सकता है ये बताइए। फिर से समझिए, पिछला क्वेश्चन में काम ए भी किया था, फिर ए किया था, फिर ए सी किया, तो जैसे जैसे किया हम वैसे वैसे नहीं बनाए, किया तो काम साथे साथे, लेकिन हम बनाए कैसे? अकेले अकेले, ए का अकेले बनाए, बी का अकेले बनाए, सी का अकेले बनाए। तो जैसे साथे साथे से अकेले अकेले कर सकते हैं, तो अकेले अकेले से साथे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बोलिए ए और बी कितना साथे काम कर सकता है? बोलिए बोलिए, ए और बी कितना दिन साथ में काम कर सकते हैं? उल्टा पुल्टा बोलिएगा, कहाँ आपको 12 दिन नजर आ गया? इसमें 12 कहाँ लिखे हैं? अजीब वाले, ये देख के बोल रहे हैं, बाप रे बाप। चलिए प्रेस, ए 10 दिन पहले, एक काम है, एक काम पूरा हुआ है आपको 10 दिन, अब 25 दिन, एक काम पूरा हुआ है के दिन में, तो 35 दिन में पहले 10 दिन ए किया, आप फिर 25 दिन कौन किया? बी किया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितना दिन तक दोनों को साथे करवाना चाहते हैं, तो कितना दिन दोनों साथे कर सकता है, कितना दिन दोनों कंबाइंड काम कर सकता है? बोलिए अब कितना दिन दोनों साथे काम कर सकता है? दोनों कंबाइंड के दिन कर सकता है। फिर से आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मान ली दो आदमी हैं, एक आते हैं चंदमारी चौक से, एक आते हैं मीना बाजार से। मान लिया जाए कि एक आदमी 500 मीटर दूर से आते हैं, तो एक आदमी 1200 मीटर दूर से आते हैं, तो कितना दूर तक दोनों साथे जा सकते हैं? दोनों साथ में कितना दूर जा सकते हैं? अरे 500 मीटर साथे में जा सकते हैं। तो वही पूछ रहे हैं, एक काम को 10 दिन तक किया है, बी कितना दिन तक किया है, तो दोनों साथे के दिन तक कर सकता है, तो ये दोनों साथ में काम कर सकता है कितना दिन तक? आप बोलिए बी अकेले के दिन, तो ये 15 दिन में 10 दिन कर दिया किसके साथ? तो 10 इसमें घटाइए, अकेले के दिन करेगा, 15 दिन करेगा। चलिए अब इस साथे साथे है तो अलग अलग करिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग अलग किए थे। बोलिए इस स्ट्रक्चर में ये कितना दिन काम किया? 10 दिन। बी कितना दिन काम किया? तो 10 दिन आप 15 दिन, कितना दिन? 25 दिन। काम शुरू में ही आपको बोल दिए, काम साथे करे चाहे अकेले करे उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्वेश्चन को हम सुविधा पूर्वक कैसे बना सकते हैं, जब जरूरत हो साथे कर लीजिए, जब जरूरत हो अकेले कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझे? बोलिए इसमें कितना दिन दोनों साथे काम कर सकता है? 4 दिन तक दोनों साथ में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो बचे हुए काम को बी अकेले के दिन में करेगा, तैयार करेगा 20 दिन। इसलिए कि 24 दिन में 4 दिन किसके साथ कर लेगा? ए के साथ, तो 20 दिन अभी अकेले कर पाएगा। अब स्ट्रक्चर इसके मुताबिक बनाइए, पहले काम करवाइए किससे? ए बी से, और फिर काम करवाइए किससे? बी से, और इस तरह से काम पूरा हो जाएगा। आप बोलिए ए बी कितना दिन तक काम किया? 4 दिन तक। और बी कितना दिन किया? अब नीचे में लिखते हैं पूरा समय, तो ए बी का पूरा समय बोलिए। ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है? तो 12 दिन में कर सकता है।
बी अकेले पूरे काम को मान लिया जाए एक्स। अब यही हमको निकालना है। बोला था कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो माना कि बी अकेले कार्य को एक्स दिन में कर सकता है। चलिए अब कैलकुलेशन करिए, तो ये हो गया 20 बटा कितना एक्स। अब बोली कटेगा तो कितना 1/3, घटेगा तो कितना 2/3। ऊपर ऊपर कटाइए, क्रॉस गुना करिए, तो आंसर हो गया आपको कितना दिन, 31 दिन ए का निकला कि बी का। आ ए का पूछता तब तो ये दोनों मिल के कितना दिन में, 12 दिन में, जिसमें बी का निकल गया 30 दिन, तो इसमें से इसको घटा देते तो किसका निकल जाता, ए का निकल जाता। तो इस ए काम कोई किसी के साथ करे, जब जरूरत होगा साथ ही करेंगे, जब जरूरत होगा तो क्या करेंगे अकेले कर लेंगे। मतलब है डायग्राम से, ये डायग्राम से हम कैसे बनाएं। अब हम ऐसे बना रहे थे, ए बी का अलग अलग बना रहे थे कि ए का अलग बी का अलग, हम ऐसे बनाना चाह रहे थे, तो हमको ना ही ए का पता है ना ही बी का पता है, तो बनेगा कैसे, बन भी नहीं करेगा, तो इसलिए इसको क्या कर दिए, मिला दिए। चलिए आदमी कितना है 3, तो 3 स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइएगा। अब बोलिए एक काम कितना दिन में करता है, दिया है एक अकेले दिया है कि ना दिया है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। अच्छा ये बोलिए ए 5 दिन, बी 7 दिन, और सी कितना दिन, तो ये ऊपर वाला दिया है कि नीचे वाला, ऊपर वाला 5, 7, 13। अब बोलिए ए का नीचे वाला मान दिया है, ए का नीचे देने का मतलब है कि ये अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, दिया है तो नहीं दिया है, तो ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो निकालिएगा क्या। अब इसको मानिएगा एक्स, इसको मानिएगा वाई, इसको मानिएगा जेड, तो आप एक्स वाई जेड का मान निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा, तो फिर हमको क्वेश्चन के अरेंजमेंट के अनुसार देना होगा। तो आइए फिर से उसी तरह हमको अब साथे साथे करना पड़ेगा। एक काम किया है कितना दिन, 5 दिन, बी किया है 7 दिन, और सी किया है कितना दिन, तो बोलिए पहले किसको किसको साथे करें। तो यहाँ दिया ए और बी मिलकर कितना दिन, तो पहले ए बी को साथे करेंगे, उसके बाद किसको साथे करिएगा, तो बी और सी मिलकर 16 दिन, तो अब बी और सी को साथे करिएगा। अब बचा हुआ काम सी क्या करेगा, अकेले करेगा, तो बोलिए ए अभी कितना दिन तक साथ में काम कर सकता है, 5 दिन, बी सी बोलिए, बी या सी कितना दिन, चलिए बी या सी बोलिए कितना दिन। अरे 7 दिन में ए को के दिन दे दिया, इसके पास बचा के दिन, तो 2 ही दिन तक ना काम कर सकता है। अब बोलिए सी कितना दिन, सी का बोलिए, हाँ सी का कितना 11, जो कि 13 दिन में 2 दिन किसको दे दिया, बी को, तो इसका बच गया कितना दिन, 11। फिर देखिए ना एबीसी फिर हम निकाल देते हैं, अब सोच के देखिए, ए बोलिए कितना दिन, 5 दिन, बी का बोलिए, तो बी दोनों में शामिल है, तो 5 2 7, सी का बोलिए, सी दोनों में शामिल है, तो 2 11 13, तो नहीं आ गया 5 7 13। अब आइए अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पहले काम करवाना होगा किससे, ए बी से, उसके बाद काम करवाना होगा बी सी से, और उसके बाद बचा हुआ काम कौन करेगा, सी अकेले करेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो बोलिए ए और बी पूरा काम को के दिन में कर सकता है, 12 दिन में, लेकिन किया कितना दिन, 5 दिन। बी और सी मिलकर पूरा काम 16 दिन, लेकिन किया कितना दिन, 2 दिन। सी का पूरा मान लेते हैं एक्स, लेकिन सी कितना दिन, 11।
आप क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इसको कटा देते हैं। एलसीएम बोलिए दोनों का, 8 और 12 का 24। इधर बोलिए 10 और 3 13। चलिए 13 बटा 24 घटाइए, 11 बटा 24। एक्स का मान बोलिए तो 11 11 कट जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा कितना दिन, 24। फिर से बोलिए यह स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। वैसा बनाना है जैसा टोटल कार्ज देगा। ए या बी टोटल कितना दिया, 12। तो ए और बी को, ए बी का स्ट्रक्चर बनाए, फिर बी या सी पूरा काम दिया 16 दिन। तो बी बी या सी का स्ट्रक्चर बनाए, बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। तो टोटल काम जैसे देगा, मतलब पूरा कार्य करने का समय शुरू में जैसा देगा उस मुताबिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अकेले अकेले सबका देगा तो अकेले अकेले बनाएंगे, कंबाइंड देगा तो कंबाइंड आपको करना पड़ेगा, उस मुताबिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं बनाइएगा तो चाहे कोनो मेथड से बनाइए, काफी लंबा चौड़ा बनेगा। जैसे दूसरा मेथड आपको थे, तो दूसरा मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब बोलिए किसका एलसीएम निकालिएगा, ये दिया है ए बी का, यह दिया है किसका, बी सी का। तो मान लिया जाए कि 12 16 का एलसीएम निकालिएगा, तो 12 16 का एलसीएम कितना, 48। तो भाग दीजिएगा तो किसका निकलेगा, ए बी का। से भाग दिया तो किसका, बी सी का। तो ये कंबाइंड करना पड़ेगा। तो चाहे आप जो मेथड से बनाइए, कंबाइंड पहले क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पता है नहीं। चलिए सेकंड टाइप में आइए, किस पर आधारित प्रश्न पढ़ना है, रेशियो पर। चलिए एक बात लिख ही देते हैं यहाँ पर, ये रेशियो है टाइम का, वर्क का रेशियो बोलिए। तो सबसे पहले टाइम और वर्क दोनों अपोजिट होता है, तो रेशियो क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। इसका रेशियो कितना, ये 2 3 है तो ये कितना, 3 2। लेकिन ये आता कैसे है 3 2, ये ऐसे आता ही नहीं कि उल्टा हो जाता है। इसका लिखना होता है 1/2 और इसका लिखना होता है 1/3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, 3:2, ऐसे आता ही नहीं कि उल्टा हो जाता है। अब वही मान लिया जाए कि ए बी सी है, मान लिया यहां दिया 2 3 4, मान लीजिए कि वर्क का रेशियो दे दिया। अब हमको टाइम का रेशियो निकालना है, 4 3 2 लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, नहीं गलती हो जाएगा। इसे लिखना होगा 1/2, 1/3, 1/4। अब हम लोग रेशियो कैसे सिंप्लीफाई करते थे, एलसीएम से। इसका एलसीएम बोलिए 12, 12 में 2 से भाग दीजिए, 6 4 3, यह आपको आंसर हो। ऐसा नहीं कि सीधे उल्टा कर देना। हाँ 2 वाला में उल्टा कर देगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा रहेगा तो अब आप उल्टा नहीं कर सकते। बोला है कि ए का क्षमता 20 से के गुना है, तो गुना वाला क्वेश्चन रेशियो से बनाइएगा। ये बोलिए क्या चीज का रेशियो है,
कार्य क्षमता का, कार्य क्षमता का मतलब क्या चीज का, वर्क का। जितना देर में यह एक कार्य करता है उतना ही देर में कितना कार्य करता है, इसी को आप इसका रेशियो भी कह सकते हैं। क्या चीज का रेशियो, आदमी का। इसके पास एक आदमी है तो इसके पास तीन आदमी है, ये सब तरह से आप समझ सकते। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर एक में, एक कार्य को कितना दिन में करता है, 60 दिन में। तो पूछा गया किसका, बी का। तो आप पिछला चैप्टर कौन चैप्टर पढ़े, इसके पहले कौन चैप्टर पढ़े, एकिक नियम, यूनिटरी मेथड। तो उसमें जैसे पढ़ना था कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए 25 आदमी वही कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बोलिए कैसे बनाते थे, हाँ बोलिए कैसे बनाते थे, 20 गुना 20 बराबर 25 गुना x, ऐसे ही ना बनाते थे M1 D1 करके। तो बस यहाँ भी वो ऐसे ही बनाना है। तो 60 दिन में कौन काम करता है, ए। तो ए के पास कितना आदमी है, तो 3 आदमी काम को 60 दिन में करता है। तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 60। अब पूछा किसका गया, तो बी के पास एक आदमी है, तो एक आदमी काम को कितना दिन में करेगा। तो मान लिया जाए, चलिए एक्स का मान बोलिए, तो आंसर हो जाएगा कितना दिन, 180। चलिए दूसरा में बोलिए किसका दिया, किसका पूछा, बी का दिया, पूछा किसका, तो बी के पास कितना आदमी है, तो अब एक आदमी कार्य को करता है 60 दिन में, तो दोनों मिल करी, दोनों मिल जाएगा तो के आदमी, 3 1 4 आदमी। तो अब इसका मान लीजिए एक्स, और एक्स का मान बोलिए 15 दिन। चलिए अगला बोलिए, दोनों मिल करके करता है कितना दिन में, तो दोनों मिल जाएगा तो के आदमी, 4 आदमी। अब 4 आदमी कार्य को करता है 60 दिन में, तो पूछा गया किसका, ए का। तो ए के पास के आदमी है, तो 3 आदमी माना कि 1 दिन में। अब एक्स का मान बोलिए, तो आंसर हो जाएगा आपको 80 दिन। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक की कार्य क्षमता 20 से क्या चीज है, 3 गुना है। अब कहता है कि एक कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय में कर सकता है, बोलिए 60 दिन क्या है, यहां 60 दिन क्या है, हाँ समय है, किसका समय है, शुरू से आपको बहुत बार मिला होगा, कम अधिक का मतलब क्या होता है, हाँ बार बार बताए होंगे, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, तो यह आपको, यह अंतर है, किसका अंतर है, समय का अंतर है, यह आपको किसी का समय नहीं है, दोनों के समय का क्या चीज है, अंतर है। मान लीजिए कि एक काम को 5 दिन में करता है, बी वही काम को 8 दिन में करता है, बोलिए ए बी से के दिन पहले काम करता है, 3 दिन पहले करता है, तो वह 3 दिन क्या है, ये दोनों का अंतर है, दोनों के समय का अंतर है, कितना दिन का, 3 दिन का। किसी भी चीज में कम अधिक लग जाने का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अब फिर से बोलिए 60 दिन क्या है, अंतर है, किसका अंतर है, समय का अंतर है। ये 60 दिन ए बी के क्षमता का अनुपात कितना है, 3:1, या कहिए कार्य का अनुपात कितना है, 3:1। तो पहले आप समय का अनुपात बताइए, दोनों के समय का अनुपात कितना, हाँ 1:3, 1 अनुपात कितना, 3। अब आइए समय का अंतर कितना, समय का अंतर बोलिए,
तो ये दोनों का अंतर कितना? दो। रेशियो में अंतर दो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में समय का अंतर कितना? तो रेशियो दो का मान हो गया कितना दिन? 60 दिन। अब आप एक और तीन का मान निकाल लीजिए, तो एक का मान बोलिए 30 दिन, तीन का मान बोलिए तो 90 दिन। ये बोलिए एक ए का निकला कि बी का, ये बोलिए, या किसके बदले निकाले, ए का कि बी का? ये 30 दिन ए का निकला कि बी का, किसका? अरे बुझाता नहीं है, ये का लिखा हुआ है। तो दिन कार्य होता है कि समय होता है? अभी बोलिए ये एक समय है कि कार्य है? समय है। तो ये एक किसका समय है? अरे एक का, ये देखिए समय, एक का समय एक है, बी का समय, तो ये एक ए के लिए यूज किए कि बी के लिए, किसके लिए? तो एक कार्य को करेगा 30 दिन में और बी वही कार्य को करेगा 90 दिन में। ये बोलिए ज्यादा क्षमता एक के पास है कि बी के पास? एक के पास। तो एक को समय कम लगेगा कि समय ज्यादा लगेगा? जिसके पास क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लगेगा। तो एक का समय हो गया 30 दिन और बी का समय हो गया 90 दिन। अब आपसे क्या पूछा गया? दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा? तो बोलिए पहला आदमी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। दूसरा आदमी 90 दिन में। तो दोनों मिल करके बोलिए 120 दिन होगा कि नहीं? ला बोलिए नहीं रहे। 30 90 120 दिन होगा कि नहीं? इसी से शुरू करते हैं पढ़ना, यही भूल आ जाते हैं। एक काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर 20 50 दिन। तब बोलिए सबसे अच्छा मेथड, बोलिए दोनों मिलकर कितना दिन, इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या बोलते बताते हैं? ऊपर में गुना करना है, नीचे में जोड़ देना है। जब भी बात जोड़ने का हो तो ऊपर में गुना करना है, नीचे में जोड़ देना। चलिए 45 का आधा बोलिए 22.5। चलिए रहने दिया जाए।